अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है, सब खैरियत? स्त्री 2 मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। हाँ, ये मूवी आ गई है और हाँ, ये डिसअपॉइंट नहीं करती। जान थोड़ा सा डिटेल में अगर इस मूवी का रिव्यू किया जाए तो एक चीज़ आती है कि जो हॉरर एलिमेंट्स एक तरीके से वही चीज़ हमें डिलीवर करती है जो देखने में कहने में पसंद आता है। ये एक हॉरर सिनेमेटिक यूनिवर्स है जिसमें सबसे पहले आई थी हमारे पास स्त्री, स्त्री के बाद आई भेड़िया वरुण धवन वाली, उसके बाद आई मुंजिया। वो देखी नहीं मैंने, वो देखूंगा तो इंशाल्लाह उसका रिव्यू भी डालूंगा मुंजिया का। पहले आई स्त्री, फिर भेड़िया, फिर मुंजिया और फिर अब आई है हमारे पास स्त्री 2। ये हम रिव्यू कर रहे हैं स्त्री 2 मूवी का। जहाँ तो मैं कह सकती हूँ मूवी का मेन एलिमेंट या मूवी का जो मेन विलन है वो सरकटा हमारे पास होता है, लेकिन मूवी वहाँ तक स्टेब्लिश करने में टाइम नहीं लगाती। तुम कह सकते हो कुछ स्पेशल मोमेंट शुरू में ही नजर आ जाते हैं जो कि तुम कह सकते हो मूवी की हाइप वगैरह को बिल्ड कर देते हैं। जिस तरीके से प्रेजेंटेशन वगैरह की गई है वो सब कुछ एक तरीके से मूवी में हाइप बिल्ड कर देती है और एक तरीके से मूवी को एक एंटरटेनिंग जोन के अंदर लेके चली जाती है। वो सीन्स कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि हाँ भाई मूवी किस कैटेगरी के अंदर जाने वाली है या आगे मूवी अपने स्टेक्स को कितना हाई करेगी, वो चीज़ तुम खुद ब खुद जज कर लेते हो। जहाँ इससे अगर नहीं लेके चलो तो मूवी में कॉमेडी है, प्लस वो कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यकीन करो ऐसा है कि हाँ भाई वो वर्क कर जाती है, ऐसा नहीं कि तुम बोर फील कर रहे हो, वो ऐसा है कि हाँ यार मज़ा आ रहा होता है और तुम इन्जॉय करते हो। तुम उन जोक्स उन ह्यूमर्स को एक तरीके से फोर्स फील नहीं होते, लेकिन तुम उनसे रिलेटेबल कहीं ना कहीं महसूस करते हो कि हाँ यार ये सीन अस मोमेंट हो गया, कि हाँ यार ये चीज़ हम रिलेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो चीज़ इसमें कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है। हॉरर जो हॉरर वाले सीन्स हैं वो कॉमेडी के साथ ब्लेंड हो जाते हैं, तो एक तरीके से मूवी एक तरीके से एक परफेक्ट बैलेंस लेके चलती है जो कहीं ना कहीं देखने में मज़ा आ रहा होता है। मूवी को और ज़्यादा स्पेशल अगर किसी ने बनाया तो मूवी की राइटिंग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी, जिसमें तुम कह सकते हो ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगा। जो ह्यूमर को ऐड किया गया, ह्यूमर तुम डिटेक्ट कर लेते हो, जो एक तरीके से मूवी के सीन्स फोर्स नहीं फील होते। हर करेक्टर कॉमेडी कर सकता है, ये चीज़ शोकेस की गई राइटिंग स्किल्स के थ्रू कि हाँ भाई हर कोई एक तरीके से कॉमेडी कर सकता है, वो परफेक्ट फील हो जाता है। मूवी में जो मेन करेक्टर था हमारे पास वो राजकुमार राव का करेक्टर है, उसके ऊपर फोर्स किया गया, श्रद्धा कपूर के करेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है, लेकिन मेन एलिमेंट जो मेन विलन था वो तो सरकटा था। लेकिन मुझे जो एक्टर पसंद आया वो हमारे पास पंकज त्रिपाठी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया उनकी डायलॉग डिलीवरी। एक तरीके से अगर एक फिल्म के अंदर पंकज त्रिपाठी तो ज़्यादा फोकस उनके ऊपर आता है, सारी लाइमलाइट वो ले जाते हैं और एक तरीके से नज़र आता है कि हाँ यार अगले बंदे में पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा है। तुम मिर्ज़ापुर में देख लो वो बिल्कुल ही अलग होगा, उसके बाद इस मूवी के अंदर देख लो एक अलग है, मीमी में एक अलग करेक्टर है। तो तुम ये कह सकते हो पंकज त्रिपाठी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उनके डायलॉग डिलीवरी प्लस जो सीन्स में वो कॉमेडी जेस्चर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो मूवी को और स्पेशल बना देते हैं। मूवी में तुम कह सकते हो थोड़ा बहुत CGI तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन मूवी इंजॉयबल है, या तुम कह सकते हो मूवी की रिवॉचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। मूवी हॉरर होकर भी एक तरीके से हॉरर नहीं है, बल्कि एंटरटेनिंग मूवी ज़्यादा है। मूवी में 4 गाने और 2 कैमियोज हैं, एक अक्षय कुमार का है और एक वरुण धवन का एज वरुण धवन। मूवी में जो है वो तो एक तरीके से तुम कह सकते हो वो भेड़िया वाली लुक है, लेकिन वरुण धवन का एज वरुण धवन वाला कैमियो भी तुम्हें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर मैं तुम्हें बताऊँ, हाँ गुड मूवी है और एक तरीके से उन्होंने आगे के कुछ पार्ट्स वगैरह को भी टीज किया है जो कि इस यूनिवर्स में अगली मूवी होने वाली है। ये तो कुछ मैं कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखते हैं, चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे बस मिला, मैं यहाँ मिलूँगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स, अल्लाह हाफिज़।